हेलो जी, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है राज, आप देख रहे हैं फन टू ब्लॉग्स। तो स्वागत करता हूं आपका आज एक और नई वीडियो में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मैं वीडियो मैंने शूट की है, ये मैंने कल मतलब उसी दिन शूट की थी जब मैंने अपना सोफ़ा मैं डालने गया था। तो वहीं से मैं सिंधिया डायनेस्टी गया था। तो आज हम लोग जाने वाले हैं सिंधिया डायनेस्टी। मैं तो होकर आ चुका हूँ, पर वो कैसी जगह है और क्या है वहाँ पर, क्या है खास, तो उसके लिए आप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। बहुत अच्छी जगह है और वर्थ इट है वहाँ जाना। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर कोई भी इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए। तो जी, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आपको शो हो रहा होगा, तो आप वहाँ पर जाइए, मुझे फॉलो कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पर भी जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं व्लॉग्स के, वो मैं डालने का प्लान कर रहा हूँ, तो जल्द ही वो आपको वहाँ पर मेरे स्टोरीज़ में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो जी, हम आ चुके हैं अब सिंधिया डायनेस्टी में, जो सिंधिया जी की छतरी है उधर। तो यहाँ पर जो टिकट मैं आपको बता देता हूँ, टिकट लगता है 40 रुपीज़ पर पर्सन। तो ये आप देख पा रहे होंगे 80 रुपये का एक ये है, और एक गाड़ी का टिकट लगता है 20 रुपये का। तो टू व्हीलर से अगर आप आते हैं तो 20 रुपये का जो है गाड़ी का टिकट है। तो पीछे आप देखिए, ये है मेन गेट। अभी मैं यहाँ से अंदर आया हूँ और हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। अब आपको दिखाता हुआ चलता हूँ। यहाँ पर बड़ा सुंदर, मतलब आप देखिए मस्त, आज तो एकदम मौसम भी एक नंबर सुहानल्ला है, तो मज़ा आ रहा है एकदम घूमने में। चलो फिर आपको घुमाते हैं सिंधिया डायनेस्टी। यहाँ पर सिंधिया परिवार के जो भी लोग मतलब शांत हो जाते हैं, उन लोगों की छतरी है यहाँ पर, मतलब उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो उनका ही उनके परिवार के लिए पर्सनल जगह है, ठीक है। तो बाकी ये आप देखिए एक बार, गार्डन वगैरह पूरा बहुत शानदार तरीके का गार्डन भी यहाँ पर है। मस्त जगह है मतलब एकदम। चलो मैं अंदर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सारा अंग्रेज़ों के टाइम की बिल्डिंग वगैरह जो भी है, आर्किटेक्चर पूरा अंग्रेज़ों के टाइम का ही है। तो देखने लायक चीज़ है मतलब। तो ये है जी यहाँ का गार्डन, झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए, पर बच्चों से ज़्यादा बूढ़े झूलते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, एक से एक बूढ़े यहाँ पे आपको झूलते हुए दिखेंगे। तो ये है सामने, आइए देखते हैं ये किसकी छतरी है, क्या है ये। मैं तो खुद फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहा हूँ। घूमते हैं पूरा, काफ़ी बड़ा है मतलब, काफ़ी बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। देखो, ये जीवाजी राव सिंधिया जो थे, जियाजी राव सिंधिया, उन्होंने बनवाई थी। चलिए इसको देखते हैं ये किसकी छतरी। ये है श्री गजरा राजा महोदया सिंधिया जी की छतरी। ये देखिए कितनी शानदार छतरी है ये, पूरा मतलब ये मार्बल का बना हुआ है, मस्त लग रहा है। ये देखो भाई, गार्डन तो व्यू एक नंबर है यहाँ पर, वाओ। ये देखिए, ये है पूरी छतरी। गार्डन तो इतना शानदार है ना यहाँ पे, मतलब कि अलग ही वाइब आ रही है, अलग ही एक फील आ रहा है यहाँ पर घूमने में, मतलब मस्त है यहाँ पर। तो आओ मस्त पिकनिक विकनिक करो, पर यहाँ पर अलाउड नहीं है ऐसे मतलब कुछ मस्ती वस्ती करना, ठीक है। यहाँ पे वैसे तो मुझे दिख रहे हैं भाई, यहाँ पे निब्बा निब्बी हैं, ठीक है, बैठे हैं कोने में। घूमने करने आ सकते हो, बाकी देखने एक्सप्लोर करना है अगर आपको तो आ सकते हो। और यहाँ पर देखो एक चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक पॉन्ड टाइप का है, स्विमिंग पूल तो नहीं है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं फिर, और देखते हैं क्या है क्या नहीं है। संगी खेलते थे नाती, ठीक है। मस्त लग रहा है कि नहीं लग रहा, ये बताओ यार आप लोग। इतना कुछ मतलब है नहीं, पर गार्डन वगैरह अगर आपको
घूमने का शौक है, मतलब गार्डन यहाँ पे छतरी से ज़्यादा मुझे गार्डन और ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये ज़्यादा चीज़ अच्छी लग रही है। चलो ये देखते हैं, ये बिल्डिंग दिखाता हूँ आपको, बड़ी शानदार सी लग रही है ये। तो ये है जी, देखिए बिल्डिंग, यहाँ पे लिखा है कृपया चप्पल जूते यहाँ उतारें। यहाँ पर है क्या उतारने लायक भाई? बंद है ये तो। चलो बाहर से दिखा देता हूँ, होगा भी क्या अंदर, पूरा खाली पड़ा होगा और क्या होगा। मतलब ये जो आर्किटेक्चर होते हैं ना, मतलब सारे पुराने टाइम के, ये एक अलग ही फील इनमें उनको देखकर आती है, एक अलग ही वाइब आती है देखकर, कि वो जो पुराने टाइम का जो स्ट्रक्चर था, जो आर्किटेक्चर था, वो अभी भी मतलब है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है देखकर। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे तो ये टूटी हुई भी है थोड़ी सी ऊपर से, क्योंकि काफ़ी पुरानी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि टूटेगी तो है ही। और भाई ये बिल्डिंग जो जो स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही विशाल है, अगर आप इसको देखते हैं एकदम मस्त। चलो एक शॉट देता हूँ आपको मैं, स्लोमो का, स्लोमो शॉट एंजॉय करो आप। अलग अलग जगह अलग अलग लोगों की जो है छतरी है, तो अभी मैंने आपको जैसे वो छतरी दिखाई थी, अब एक छतरी और है यहाँ पर, तो वो हम देखते हैं कि ये छतरी किसकी है। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार, वहाँ पर चलते हैं फिर दिखाता हूँ आपको किसकी। हम जिसको अभी छतरी समझ रहे थे, ये एक्चुअली में छतरी नहीं है, ये जानकी जी का मंदिर है। अंकल जी से हमने पूछा तो अंकल जी ने हमें बताया कि ये मंदिर है जानकी जी का। वो भी नहीं खुला, वो 4 बजे खुलेंगे सब। वो जो मैंने अभी आपको शॉट दिखाया था, वो विष्णु भगवान का मंदिर है, उधर राधा कृष्ण का है। अच्छा, उसके उस तरफ राधा कृष्ण का मंदिर है, चलिए वो भी देख लेंगे। और जो व्हाइट कलर में है, वो सारी छतरी है, वो सारी उनकी पुरखों की समाधि। अच्छा, चार है ना, चार है, जैसे माधव महाराज की संस्थान जो जगह और भी आगे, माधवराव सिंधिया जी की आप देखेंगे तो उस तरफ है, राजा जिया जी राम। अच्छा, जो सबसे मतलब सबसे पुराने वही थे ना, तो माधोरा सिंधिया की है इधर, और ये राजमाता की है, वो गजरा राजा की मैंने आपको दिखाई थी, और सबसे लास्ट में जो है वो जिया जी राव जी की है। तो चलिए पहले एक एक करके, गजरा राजा की तो मैंने आपको दिखाई थी, और ये जानकी जी का मंदिर है, और वो विष्णु भगवान का मंदिर भी देख लिया आपने। तो अब हम चलते हैं माधोराव सिंधिया की छतरी को देखने के लिए, तो चलिए फिर अब वहाँ पर चलते हैं डायरेक्ट, और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी माधोराव सिंधिया जी की छतरी है। आ चुके हैं माधोराव सिंधिया जी की छतरी के पास, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो है माधोराव सिंधिया जी की छतरी है। ये मतलब मैंने देखा कि ये थोड़ी सी अलग मुझे डिफरेंट लग रही है, क्योंकि सबकी जो छतरी है वो प्लेन है, और इनकी जो मतलब छतरी है वो आप देखेंगे ना तो प्रिंटेड है, देखिए डिज़ाइन है, मतलब पिलर्स पे हर जगह, और थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी मतलब सुंदर बनाई गई है इनकी जो छतरी। चलिए देखते हैं एक बार ऊपर चलकर, ये देखिए ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं ना, ये सबकी जो है वो प्लेन है, इनका डिज़ाइन है। और हाँ, एक बात और है, जो अंकल जी हमें मिले थे वो ये बता रहे थे, सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11:30 बजे तक सारे पट जो होते हैं, ये जो आप पट देख रहे हैं, ये खुले रहते हैं, और 11:30 बजे भोग लगता है, उसके बाद सारे पट बंद हो जाते हैं, फिर शाम को 4:30 बजे से 7:30 बजे तक खुलते हैं। तो अभी हम आए हैं तो अभी तो हमें सारे पट बंद ही मिलेंगे, इसलिए मैं आपको बाहर बाहर से दिखा रहा हूँ सारे। तो बाहर बाहर से आप देख लीजिए, ये है सिंधिया जी की, माधोराव सिंधिया जी की छतरी।
चलिए एक छोटा सा शॉट दे देता हूँ, फिर हम चलते हैं दूसरी छतरी की तरफ। अब हम आ चुके हैं उधर उनकी छतरी पे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी, जो है राजमाता सिंधिया। तो ये है जी राजमाता सिंधिया जी की छतरी। अब हम एक बार इसको देख लेते हैं। बाकी तो ये आप देख ही रहे होंगे कि सिंपल है, इधर कोई डिज़ाइन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। मस्त है यार, अच्छा है, मतलब एकदम गार्डन वगैरह बना रखा है यहाँ पर, तो सुंदर लग रहा है सब कुछ। घूमने में मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है। कभी आए ग्वालियर तो बिल्कुल यहाँ पर आइएगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, स्वर्गीय राज मातेश्वरी श्रीमंत विजया राजे सिंधिया। तो जी ये तो गजरा राजे सिंधिया जी की छतरी है, जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाई थी। तो इधर तो हम जा नहीं रहे, अब हम जा रहे हैं जियाजी राव सिंधिया जी की छतरी पर। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसी है। तो चलिए फिर, और मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो ग्वालियर है, आपको लगता होगा ना बहुत सिंधिया 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 होता है भाई, ये पूरा ग्वालियर ही सिंधिया जी का है अभी भी। मतलब एक टाइम से सरकार भाजपा की है, पर आज भी मतलब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिंधिया जी ही राजा हैं इस ग्वालियर जो शहर है इसके। तो बाकी यही है, सिंधिया जी की विरासत है ये, जहाँ हम रहते हैं आज भी वो राजा ही कहलाते हैं ग्वालियर के। तभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ग्वालियर आते हैं, तो उनका जो सम्मान होता है वो किसी देश के राष्ट्रपति से कम नहीं होता। वैसे तो वो दिल्ली में रहते हैं, पर जब भी ग्वालियर आते हैं तो हाई लेवल, मतलब टॉप नॉच लेवल का जो वेलकम होता है ना, वो उनका किया जाता है। तो जी यहाँ पर हम आ गए हैं जियाजी राव सिंधिया जी की छतरी पर, जो सब ये हैं सबसे पुराने शख्स इस सिंधिया ख़ानदान के। तो ये है जियाजी राव सिंधिया जी की छतरी, इनकी भी ऐसी प्लेन है, कोई डिज़ाइन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। वो जो प्रिंटेड वाली है ना, सुंदर सी दिख रही है, केवल माधवराव सिंधिया जी की है और किसी की भी नहीं है। अंदर ऐसा कुछ वैसे है नहीं खास, तब भी आप देख लो, ये है जियाजी राव सिंधिया जी की छतरी। तो जी ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, श्रीमंत जियाजी राव महाराज सिंधिया जी। तो जी ये है आज का हमारा व्लॉग, यही इस व्लॉग को आज मैं यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। और मैं मिलता हूँ आपसे दूसरे ऐसी किसी मज़ेदार वीडियो के साथ, आप लोगों को इंटरटेन मैं करता रहूँगा, आप मेरे साथ बने रहिए। तो जी चलिए अलविदा लेता हूँ आज मैं आपसे यहाँ पर। भारत माता की जय, वंदे मातरम।